रोहतक के शिवाजी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में किया जा रहा रोहतक के सबसे बड़े महाशिवलिंग का स्थापना। जी हां, आपको बता दें, रोहतक के शिवाजी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में नर्मदेश्वर महालिंगम की स्थापना प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि 14 जुलाई तक चलेगी। आपको बता दें, यह शिवलिंग ओंकारेश्वर से लाया गया है। उसका नाम नर्मदेश्वर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसकी उत्पत्ति नर्मदा नदी से हुई है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि मंदिर के पुजारी का इस बारे में क्या कहना है। जय श्री महाकाल, जय श्री राम। शिवाजी कॉलोनी शिव मंदिर में जहाँ हम सब मिलकर के महाकाल स्वरूप और श्री ओंकारेश्वर धाम से लाए हुए नर्मदेश्वर महालिंगम का इस मास श्रावण मास में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने जा रहे हैं। देखो, जब ओंकारेश्वर गए तो वहां इनका स्वरूप के जब दर्शन हुए तो मन में आया कि इनको वहां लेकर के चलना चाहिए। तो सभी भक्तों के सहयोग से वो अच्छा पल, वो शुभ फल आ चुका है कि जहां उज्जैन से ब्राह्मण पहुंचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए, योगेशाचार्य जी अपनी पूरी टीम को लेकर के, अपने ब्राह्मणों को लेकर के, वहीं शिव मंदिर में बहुत ही थोड़े ही समय में पुनर्निर्माण पूर्ण हो चुका है। भगवान भोलेनाथ का पावन दरबार सज चुका है और जहां 14 जुलाई शुक्रवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा का, क्योंकि जहां न्यास, जल का वास, फल का वास, घृतवास, ये सब नियम निभाए जाएंगे, उसके बाद दर्शन सभी भक्तों के लिए खुलेंगे और सब जब जल चढ़ाएंगे शिवरात्रि पर और 14 तारीख से, तो आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा क्योंकि ऐसा सुंदर स्वरूप आपने कहीं देखा नहीं होगा और आपको अनुभूति होगी कि जैसे हम महाकाल उज्जैन में आकर के खड़े हैं। तो मेरी सब प्रार्थना है डिजिटल मीडिया के माध्यम से कि सब भक्तजनों के जो भी आप देखें तो शिव मंदिर शिवाजी कॉलोनी रोहतक में आप जरूर पहुँचें। 14 तारीख की शाम को सुंदरकांड का पाठ, भव्य झांकियां, भजन संध्या का बड़ा उत्सव रहेगा। शाम को 6 बजे से जो प्रारंभ होकर प्रभु इच्छा तक चलेगा और 15 को तो शिवरात्रि है, सब कांवड़ी लोग पहुंच ही रहे हैं। तो मेरी आपके माध्यम से सबसे प्रार्थना है कि आप सब नर्मदेश्वर महालिंगम, क्योंकि हमारे नर्मदा नदी से भगवान भोलेनाथ आए हैं और महालिंगम है, तो इसलिए शिव मंदिर नर्मदेश्वर महालिंगम का नाम दिया गया है। तो मेरी सबसे पुनः प्रार्थना की अपील है।